नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। सिद्धार्थनगर जिले की ओर रुख करते हैं इस वक्त की। जिले में कल देर रात एक शादी समारोह से लौट रहे हाथी 11,000 वोल्टेज की करंट की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बिजली के जर्जर तार बहुत नीचे लटक रहे थे, जिसके कारण एक बेजुबान जानवर की जान चली गई। कल सूरतगढ़ में एक शादी समारोह में हाथी गया था। बारात में द्वार पूजा खत्म होने के बाद देर रात दो महावत के साथ हाथी अपने घर को वापस जा रहा था कि चिलिया थाने के गौनिया गांव में जैसे ही हाथी पहुंचा, वह 11,000 वोल्टेज बिजली लाइन की चपेट में आ गया और उसकी वहीं मौके पर ही मौत हो गई। गनीमत यह रही कि दोनों महावत इस घटना में बाल बाल बच गए। हाथी मालिक की माने तो वह इस हाथी को 15 साल से शौकिया पाल रहे थे। वही डीएफओ सिद्धार्थनगर वीके मिश्रा का कहना है कि यह वाइल्ड लाइफ जानवर है और इसके पोस्टमार्टम कराने की तैयारियां की जा रही है। आसपास के गांवों में हाथी की आकस्मिक मौत पर गम का माहौल है और मृतक हाथी को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। इस वजह से यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसमें चार पांच भैंसे मर गई हैं और एक रात में हाथी आई है, वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ट्रैक्टर में आग लग गया था ना, ट्रैक कहते हैं, और बिजली विभाग कोई कार्रवाई नहीं करता है। यहाँ दौड़ के जाते हैं लोग, कहते हैं बिजली विभाग अपना उसी बांस में बांध करके कभी इधर कर देता है तार, कभी उधर कर देता है। कुछ ध्यान नहीं दिया।